जयपुर का पर्याय हवा महल जो विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान रखता है। ये महल न सिर्फ यहाँ मौजूद 365 खिड़कियों, आध्यात्म की दृष्टि से बने 8 परिसर और सिटी पैलेस से जुड़ी हेरिटेज वॉक के लिए बल्कि चूने पर की गई कारीगरी के लिए भी प्रसिद्ध है। यही नहीं, यहाँ का आर्किटेक्ट निहारने के लिए दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। जो इनके निर्माता थे सवाई प्रताप सिंह जी, जयपुर के 5वें नंबर के महाराजा, वो भक्ति किया करते थे श्री कृष्ण की, और इसी वजह से इसका जो डिज़ाइन है मुकुट की शेप में बनाया गया। अगर आप इसको बाहर से देखेंगे रोड साइड से तो मुकुट का फ्रंट, जहाँ अपन खड़े हुए हैं ये मुकुट का अंदर का रिंग पोर्शन है, सिम्बॉलिक रिंग है ये। दरअसल हवा महल की मूल संकल्पना सवाई जयसिंह की वास्तु निर्माण से जुड़ी हुई है, जो उनके रहते किन्हीं कारणों से मूर्त रूप नहीं ले पाई। हालांकि उनके वंशज सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया। चंद्र महल की छत से देखने पर यह भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के रूप में दिखाई देता है। इसके पास ही भगवान गोवर्धन नाथ का मंदिर भी मौजूद है। इसके अलावा महल में 365 खिड़कियां हैं, जहां से गर्मियों में सुखद अनुभूति देने वाली हवा आती है। गर्मियों के अंदर सुखद अनुभव होता है, राजा रानियां बैठा करते थे, नृत्य देखा करते थे। सामने इसके फाउंटेन है, आज भी मौजूद है, और उस फाउंटेन में पानी भरने के बाद वो एक मुगल गार्डन की जो मुगल जो जिसको अपन बोल सकते हैं मुगल ट्रेडिशन के रूप में वो फाउंटेन दिखाई देता है। आमतौर पर संध्या आरती के बाद यहाँ राज परिवार ठाकुर जी की उपासना और भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। समय के साथ फिर चीजें बदलती गई। सवाई प्रताप सिंह जी के बाद जब वो राजा आए तो उन राजाओं के समय हवा महल जो था वो जीमण के लिए, हेड़े जोनार के लिए प्रसिद्ध ज्यादा हो गया। आमतौर पर यहाँ पे जो छन्यात होती है, ब्राह्मणों की 6 जात होती है, उनके यहाँ पे भंडारे होने लग गए। आज हवा महल देश के मुख्य धरोहर के रूप में माना जाता है, विश्व विरासत सूची में भी इसका नाम है। किसी जमाने के अंदर कुछ तांबे पीतल की कुछ झंडेनुमा स्ट्रक्चर हुआ करता था, जो ये दिखता था कि हवा किस तरफ बह रही है। मानसून आने से पहले जब बुरवाई बहती थी तो वो झंडियां हिलती थी, इससे ये अंदाजा लगा लेते थे कि मानसून किस तरह का रहेगा। बाद में हेरिटेज वॉक बनने पर इसे भी जोड़ दिया गया। राजवंश की महिलाएं यहां से मौसम और बाजार का अवलोकन करने के लिए हेरिटेज वॉक से ही हवा महल के अंदर आया करती थी। जनाना जो महिलाएं होती थी राज परिवार की, वो सिटी पैलेस में रहा करती थी, वहां के रनिवास में, जो कि यहां से करीबन 800 मीटर की दूरी पे है। तो वहां रहने के दौरान वो आउटर एक्टिविटी से कट ऑफ थी, तो उनको शहर की डेली रूटीन लाइफ दिखाने के लिए ये महल बनवाया गया। खास बात ये है कि इस हवा महल की कोई नींव नहीं है, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बनाया गया मुकुट रूपी स्ट्रक्चर है। जानकारों की माने तो हवा महल आमोद प्रमोद के लिए बनाया गया महल नहीं, ये भक्ति के लिए बनाया गया महल था। इसका प्रमुख प्रवेश द्वार आनंद पोली है और उसके बाद मौजूद चंद्रपोली, जिस पर पंचदेव बने हैं। वहीं इस महल में मौजूद 8 सेक्शन के नाम मंदिरों के रूप में हैं। इनमें से एक जयपुर के 5वें महाराजा सवाई प्रताप सिंह के नाम पर है, जो श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। और इस महल में प्रवेश करते ही सबसे पहले राइट साइड में जो जगह आती है उसका नाम है उजास मंदिर। फिर प्रथम तल के अंदर 2 मंदिर आते हैं, प्रताप मंदिर और शरद मंदिर। फिर उसके ऊपर की मंजिलों के नाम भी मंदिर के रूप में है। कुल 8 सेक्शन ऐसे हैं जिनके नाम मंदिरों के रूप में। तो श्री कृष्ण की भक्ति के लिए ये महल बनवाया गया था, और अधिकतर इसमें भक्ति के ही आयोजन होते थे, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित या फिर अन्य भगवानों से संबंधित आयोजन किए जाते थे। तो इस महल की जो 5 मंजिलें हैं, उन हर मंजिल के ऊपर अलग अलग काम किया हुआ है। सबसे पहली मंजिल है, सबसे कम वेंटिलेशन वहां पर है, सबसे छोटी विंडोज हैं, तो शरद ऋतु के जो भी एक्टिविटीज होती थी वो उस वाली फ्लोर पे होती थी। दूसरी मंजिल पर रत्न मंदिर है, जहां रंगीन कांच का काम किया गया है जो रत्नों को रिप्रेजेंट करते हैं। वेंटिलेशन प्रथम तल से ज्यादा है। तीसरी मंजिल है विचित्र मंदिर, जो कि उस किंग का भक्ति की जगह थी, जहां पर वो पूजा किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। ऐसा कहते हैं कि भक्ति करते समय वो उसमें लीन हो जाते थे और उनको एक विचित्र तरह की अनुभूति होती थी, इसीलिए उस जगह का नाम रखा गया विचित्र मंदिर। चौथी मंजिल प्रकाश मंदिर, यहाँ छत नहीं है और सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा समय तक रहता है। और 5वीं मंजिल हवा मंदिर कहलाती है, जिसमें 2 मीटर की जगह है, जहाँ से शहर का दृश्य दिखाई देता है, जो इस महल का टॉप एरिया है। इसके अलावा हवा महल का जनाना एरिया बिहार मंदिर कहलाता है। इससे ये स्पष्ट है कि हवा महल भक्ति के लिए बनाया गया महल था। सवाई प्रताप सिंह के समय में ही जयपुर में सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर्स बने। ये जो राजा थे, इनका समय था गोल्डन पीरियड आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स का। सबसे बेहतरीन पैलेस इनके टाइम में बने, हवा महल, जल महल, सिटी पैलेस में पीतम निवास चौक। इन सारी कृतियों के अंदर आपको चूने के ऊपर कार्विंग मिलेगी,
जो कि किसी और राजा के समय में बने हुए महलों में नहीं देखने को। जानकारों का आरोप है कि इसका मूल रंग लाल गुलाबी रंग का था, जो खमीर उठकर तैयार होता था, जबकि इसके कंगूरे सोने की पॉलिश किए हुए थे, जो अब देखने को नहीं मिलता। ऐसे में अब इसको संजोने की दरकार महसूस होने लगी है। इसके एंट्री गेट पर लगने वाली जालियां जो चूने की हुआ करती थी, उसे पत्थर की बना दिया गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ गर्म हवा महसूस होती है, जो ये कहीं ना कहीं विरासत के साथ छेड़छाड़ भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।